अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम गायिका उजाला यादव जे भी हमार बिरहा सुनत बा, सबसे पहले तो के हम पांव छू के प्रणाम करत बनी कि आप लोगन को बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला बिरहा के माध्यम से, चाहे वो मंच हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से। तो ये एक बिरहा, एकदम नई नई बिरहा आप लोगन के बीच में हम प्रस्तुत कर चलत बनी। आप लोग पूरे बिरहा के सुने हैं आ सुन के कमेंट में जरूरी बतैहन कि आप लोगन के बिरहा कैसन लगल। काहे से हम कमेंट पढ़ीला, कमेंट पढ़ला पर अपन गलती सही सब पता चल जाला। तो जैसन भी बिरहा लगी तो आप लोग जरूर एक बार बतैहन। बिरहा में चार लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब, उड़ चला अब तिरंगा झुकेगा नहीं। ये देखे बाबू, अभी आप लोग देख ले ही जो हमारे देश में अग्निपथ योजना ये लागू हुआ है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को नाराज किया जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान कड़कती ठंड में सुलगती धूप में मेहनत करके परिश्रम करके अपने आप को तैयार करते हैं कि हम फौजी जवान बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे, शायद अब वो जोश कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा कि जब चार ही साल नौकरी करना है फिर रिटायर हो जाना है, तो चार साल बाद हम क्या करेंगे? नरेगा में चल के माटी फेंकल जाए। हाँ, यह सही बात। तो समझ लीजिए बाबू, इसका असर हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पर पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान शायद अब सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, बिरहा में मास्टर साहब एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा, बहे खून मेरा चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, वतन के दीवाने वतन पे मरेंगे।
कुर्बान खुद को चमन पे करेंगे। देखी कहानी कहां से लिखल गई मास्टर साहब, एकदम फरिया के रहे। फूल की चाहना का टोप चलना सीखा है, फूल की चाहना का टोप चलना सीखा है, वतन का फौजी तो वतन पे मरना सीखा है। कहीं पर नक्सल आतंकी अरि मचलता है, कहीं पर नक्सल आतंकी अरि मचलता है, आतंकी नाग का फौजी ही फन कुचलता है। इधर अरुणान चल उधर कश्मीर घाटी में, इधर अरुणान चल उधर कश्मीर घाटी में, आग नफरत की लगी स्वाभिमान माटी में। जिला आजमगढ़ में बिलरिया गंज थाना है, जिला आजमगढ़ में बिलरिया गंज थाना है, शेरपुर गांव ब्राह्मणों का आसियाना है। ए बाबू कहानी पर आप लोग गौर करियन, हमरे आजमगढ़ जिला महाराजगंज ब्लॉक के बगल में एक शेरपुर गांव बा, जहां के रहे वाला हरि नारायण जी, जेकरे औरत का नाम बतावल गयल बाबू चनरा देवी, जौने में दूगो भाई हरि नारायण जी के, दूगो बेटवा, बड़के बेटा का नाम विवेक बतावल गयल। अब विवेक एक दिन टीवी पर देखत रहलन, कुछ ऐसा न्यूज देखलन हिंदुस्तान और चाइना का घटना रहा, विवेक के देखते टीवी पर बाबू शरीर में आग लग गई, तुरंत टीवी बंद कैलन, भागल भागल दुआरे बाबू के पास अलन, तो देखत हुआ हरि नारायण पिताजी वो गैयन के चारा डालत हुआ, जाए के कलम बाबू जी एक मिनट तरी हमारे दिल के बात को सुन लेवा का। हरि नारायण पिताजी कलम बेटा तोरे दिल का भाग, अरे बोला का बात बा। तब विवेक अपने पिताजी से कहत हुआ, का कहत हुआ मास्टर, एक लाइन गीत लगल बा। क्या बात है, बात अच्छे, वह गीत बा मास्टर साहब, कृष्ण भगवान अनेकों रूप बना ले अपने गोपियन बदे, अपने राधा बदे। अभी देखा रूप बना के चलल हुआ, क्या बनौले हुआ, छलिया का भेष बनाया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी पे चने लाया, कहत हुआ का कलम आइटर साहब, बाबू खतरा में पड़ गईली धरती, बाबू खतरा में पड़ गईली धरती, मलेटरिया में हो हम भरती, के ललकारत हवे, नागा बन के कमीना फुटकारत हवे, बाबू
बाबू बोला तोहार का बमर जी, बाबू बोला तोहार का बमर जी, मलटरिए में हो हम भरती। देखे विवेक अपने पिताजी से कहलन कि बाबू आज हम टीवी पर कुछ ऐसा दृश्य देखली है अपने हिंदुस्तान और चीन के बारे में, बाबू बर्दाश्त ना भेल है। अब हमार मन करत बा कि हम फौजी जवान बन जाती आ सीमा पर जाई तो दुश्मन के बता दे कि का बा हमार हिंदुस्तान कैसन बाटे लोग हमारे हिंदुस्तान के। बस बाबू तो और छूट चाहत बनी का इरादा बा। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया सुनते हरि नारायण जी के आंख से आंसू आ गए। खले करे बेटा, ई कौन झुनकी तो के पकड़ ललस आरती भरती वाला, अपन गरीबी ना देखत हुआ। सुना हमार बात बेटा, देखा कहत हुआ हरि नारायण का समझाओ तुम विवेक के मास्टर साहब। फिर हम एक लाइन गीत लगल बा मास्टर साहब। अरे कवन करवाला हरि जी, अरे कवन करवाला हरि जी, अपने विदेश समझावत हूँ। का कहत हूँ मास्टर साहब, दिनवा गरीबी काय बचावा, और दिनवा गरीबी काय बचावा, कैसे माल डारिया में जइबे लाल। खेती बारी को के लाल तोह के जिया वाली, बिटिया के शादी को के ससुरे पठावाली, कैसे माल टरिया में जइबे लाल। ए देखे बाबू, पिताजी बड़ा पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, गरीबी चाहे कोई कहो बाबू ओके गरीब इंसान समझ सकेला, अमीर तो कबो ना गरीबी समझी, काहे से एसी में खात बा, एसी में पियत बा, एसी में सूतत बा। लेकिन आज एक किसान व्यक्त हरि नारायण अपने बेटवा से कहले, देख बेटा कुछ रुपया रहल
तोरे पढ़ाई लिखाई में गयल, कुछ रुपया रहल तोरे बहिन के बियाह के दहली। अब हमरे पास इतना सौहर ना बा कि तू बेटा भर्ती देखा जा तो तोके पता ना हो भर्तियों में घुस लगेला। मेहनत करबा, परिश्रम करबा, भर्ती हो जाइबा, लेकिन फिर भी घुस हमके देवे के पड़ी। अब हमार हिम्मत ना बा कि हम तोके कहां से भर्ती कराई और कहां से इतना रुपया जुटाई। ई बतिया सुन के विवेक के आंख में आंसू आ गयल। तबले घर में से विवेक का मम्मी चाय नाश्ता कुछ लेके आवत है अपने पति के देवे बदे हरि नारायण जी के। देखली विवेक के आंख में आंसू, समझ गईली मतारी लगत भाई बाप बेटवा कुछ अपने में कहा सुनिकल का ऐसा तो ना हो सकेला। लेकिन माई पूछली का हो विवेक का पापा, ये विवेक कैसन उदास बका, कोनो बात बका, डटला है का, कुछ तो कहले जरूर होगा। वो कहला देखा विवेक का मम्मी कुछ कहली का, ये तोहर बेटा हो अभी हमारे कपारे चढ़ के बोलत बा। हम कहा तू कोनो काम कर ले, कोनो धर दुकान खोल ले, ठेला पे सब्जी भले बेच ले, लेकिन बेटा आरती भर्ती का सपना ते मत दे। ई तोहार बेटवा माने के तैयार ना बा, एके भर्ती का भूत सवार बा। माई है कली का विवेक का पापा, ई माई बाप का सपना होला, जवन बेटा बेटी कहल चाह ओके माई बाप के पूरा सपोर्ट करे के चाहिए, जौने में इनकर रुचि हो उहे काम करावा। सुना हमार बात। अब विवेक का मम्मी समझावत है, का कहती गीत लगल मास्टर, यारा झोला ने आका गुजावा, यारा झोला ने आका गुजावा, अरे टूटल हो राजा जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा जमनिया। बहुत अच्छे कहना है, यारा भाला ही खेती बारी, यारा भाला ही खेती बारी, की कहना बिकाई हमार बबुआ माल टरिये में जाई, हमार बबुआ माल टरिये में जाई, हमार बबुआ माल टरिये में जाई। बेटवा जरी चाहे दुखवा उठैबे, असीमा का सरदार तोहके बनैबे, सीमा का सरदार तोहके बनैबे, सीमा का सरदार तोहके बनैबे। यार हमारे रहतई और हमारे रहत कैसे आंसू बहाई, हमार बेटवा मन करी है न जाई, हमार पापा सुना हमार बात। अगर हमार बेटा सीमा पर जाए चाहत बा तो हई गहना गुरिया का होई रख के ई पेटी में रखल कर रखले रह जाई, जितना रुपया लगी लगाई, लेकिन बेटवा की अपने फौजी जवान बनाई। देखिए बाबू विवेक अपनी माँ की बात को सुनते हैं, शरीर में दूना जोश हो गयल। सामने भर्ती निकल लहल, विवेक गैलन भर्ती देखे बदे। अब देखा तकदीर साथ दे दहलस, बीएसएफ में भर्ती हो गैलन। फौजी जवान विवेक पहली ड्यूटी कहाँ लगत बा,
जम्मू कश्मीर में जवान ड्यूटी पर तैनात भयल का मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। अरे कांधे राय फलिया लेके बाम वाली झोलिया गोलिया से बरस मऊतिया मन का या सियाना ड्यूटी पर से घरे आना जाना बराबर लगल बा। वही बीच में एक मनसा नाम के लड़की से शादी हो गई विवेक कर, जिके लोग मनीषा भी कहा। मनसा नैहर का नाम मनीषा ससुराल में नाम पड़ गया। जब वो मनसा नाम के लड़की से ब्याह भयल, धीरे धीरे समय बीतल बारे दुनिया के मालिक मनसा देवी के गर्भ रह गल। महीना बीतल बा, नवे महीना में एक सुंदर बेटी पैदा हो थी, जो ने बेटी का नाम परिवार के लोग बड़े प्यार दुलार से आभार रखत हुआ। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलत बा। छुट्टी मिले फौजी जवान विवेक घरे अवे, फिर सीमा पे चल जा। लेकिन एदा पारी जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर कहाँ भयल? पश्चिम बंगाल में। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात वहाँ का होत बा। मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। आ गीत के छोड़ी मास्टर साहब भाव पर गौर करी।
नहर चलाया है गोली, छलनी किया इस मंगल की टोली। कश्मीर से 6 महीना पहले फौजी जवान के ड्यूटी लगल बा पश्चिम बंगाल में, जवान ड्यूटी पर तैनात। तब तक बाबू कुछ आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। जो फौजी जवान विवेक ड्यूटी पर तैनात है, होता है क्या मास्टर साहब, अरे मोरे राम, अरे चिरा गया जमगढ़ का बुझ गया, वतनी मान मानव शान का ले अनुराग। देखे मेरे बाबू, चारों तरफ से आतंकवादी घेर लेते हैं, लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान विवेक गोलियों की बौछार कर दिया, कुछ आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कदम आगे बढ़ाता गया। आगे कदम बढ़ल मोरे भैया, तब ले गजब हो गया। अब गजब का भल मास्टर साहब, अरे दुश्मन के घेरे बाद जूटा ले जवाना वाया, रे जूटा ले जवाना वा हो, सीमा का सिपहिया लाला कारण हो बाबू। चारों तरफ से आतंकवादी भी घेरे हैं, इधर से फौजी जवान चल देते हैं, गोलियों की बौछार करते हैं। समझ नहीं पाया विवेक मेरे बाबू, होता है क्या, राहल अन्हरिया लागे सोझा निडहरिया, सोझा निडहरिया गिरला विवेक नलवा धारण होरा। देखें बाबू, विवेक कदम आगे बढ़ाता गया, उधर से तड़ातर तर 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 दुश्मनों की गोली चल रही है। विवेक समझ नहीं पाया मेरे बाबू, तब तक एक गहरा नाला था, एक पांव उसी गहरे नाले के तरफ गया, अब फौजी जवान अरराय कोई नाला में गिर गई लगी, गिरा हुआ जवान, लेकिन बारे जवान की हिम्मत, नाले में गिरा है, चारों तरफ से पापी दुश्मन घेर लिए हैं कि निकलने नहीं दूंगा। फौजी जवान उसी नाले में से उस अवस्था में करता है क्या मास्टर साहब, पापट कलाइन बा, अरे सुनत करे जा दुश्मन का थराला से रवाया जमगढ़ का, अम्मा उससे लड़ने चला वीर रखवाला से रवाया जमगढ़ का, Yeah!
तस्कर का टोली पीर निकल ना पाया हो, मातृभूमि की रक्षा में रणधीर शहादत पाया हो, अरे धरा की गोदी में छिपा ही नरक वाला से रवाया जमगढ़ का, ओढ़ तिरंगा सोया हिंद का लाला से रवाया जमगढ़ का। फौजी जवान नाले में गिरा हुआ है लेकिन फिर भी हिम्मत करके गोली चला रहा है। अब नीचे से ऊपर कहां गोली जाएगी, अब वो सब पापी ऊपर से नीचे गोली दाग रहे हैं, गोली पर गोली, गोली पर गोली चला रहे हैं, लेकिन फिर भी फौजी जवान विवेक अपने हिम्मत को नहीं हारता है। तब ये पापी समझ गए कि अब एक ही काम है, ये साला जो नाला में गिरा है ना, इसको हम लोग निकलने नहीं देंगे, ये तड़प तड़प कर इसी नाले में मर जाएगा। धीरे धीरे समय बीतल हो बाबू, ए शरीर से आत्मा निकल गई, धरती माई के प्यारा हो गई लन विवेक। धीरे धीरे समय बीतल, देरी ना लगल, फौजी जवान शहीद हो गया, धरती माई के गोदी में समा गई लन। सुबह भइल बा, हेडक्वार्टर से कर्नल साहब जाते हैं फौजियों के साथ, जब देखते हैं नाले में विवेक की लाश पड़ी हुई है, नाले से बाहर निकालते हैं बाबू, तब तक विवेक का एक दोस्त फोन लगा देता है विवेक के घर पर। सुबह का टाइम बा, विवेक का पत्नी मनसा देवी, जेके हम बतौली लोग मनीषा भी कहें, बेचारी आटा सानत थी, नाश्ता बनावे जात थी, तब तक फोन आयल, विवेक का छोटा भाई फोन लेके इलन का ना, भाभी ये भैया का फोन है। विवेक की औरत फोन को रिसीव करती है और बोलती है, हेलो, तबले भैल का मास्टर साहब, ना मरवा तो हरे भैया कबा देवरू, बाबू विवेक का छोटा भाई फोन ले आ करके भाभी को देता, भाभी भैया का फोन है। मनसा देवी फोन को रिसीव करती, हेलो, आभा के पापा, उधर से आवाज आई, नहीं मैं आभा का पापा नहीं हूं। अब देखिए एक संस्कार है, मनसा देवी फोन
ले जा करके अपने देवर को दे देती है। बाबू ये सुना, देखा ना ये तोरे भैया का नंबर बा, लेकिन आवाज तोरे भैया का ना बा, इके बाला ना बात करा ना। विवेक का छोटा भाई बोला, हेलो हाँ कौन? भाई मैं विवेक का दोस्त बोल रहा हूँ, बता तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन बताना भी जरूरी है। क्या हुआ? मैं कैसे बताऊं भाई, मैं भी एक फौजी जवान हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाई भैया बताइए क्या बात है, बताइए ना। आपकी भाभी तो नहीं है ना आसपास? नहीं भैया मैं अकेला हूं, बताइए क्या बात है। कहले आपका भाई मेरा दोस्त विवेक शहीद हो गया। क्या कह रहे हैं भैया, शहीद हो गई लड़? फिर भी भाई को विश्वास नहीं होता है। आप मेरे भाई को दोस्त है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अभी भाभी बता रही है, भैया रात के टाइम में भाभी से बात किए, वीडियो कॉल पर बात हुई थी और आप बोल रहे हैं कि मेरे भैया शहीद हो गए। मैं वीडियो कॉल करता हूँ, जरा दिखाइए ना मेरे भैया कहाँ शहीद हुए, कैसे हुए हैं। फौजी जवान वीडियो कॉल कर देता है और देवर भाभी शहीद विवेक को देखते हुए देरी नहीं भैले बाबू, तबले विवेक का पत्नी हरराय के अंगना में गिरल है। भाई छोटा ओ भी गिर गया, माई बाबू मतलब पूरे गांव में कोहराम मच गया, विवेक शहीद हो गया। शहीद जवान की पार्थिव शरीर फौजी जवान लेकर के जब हमारे आजमगढ़ जिला शेरपुर गांव में आते हैं तो वहां की दृश्य क्या है मास्टर साहब, जरा गौर करेंगे। मैं बता रही हूं कहीं ना कहीं मुझे भी कष्ट हो रहा है। देखिए एक बेटी तो है लेकिन दूसरा बच्चा पेट में पल रहा है। बेचारी मनसा गर्भ अवस्था में उस ताबूत के ऊपर गिर जाती है और रोती है, कहती है क्या मास्टर साहब, देखे होंगे मेरे पति अमर रहे, मेरे पति अमर रहे। लेकिन जब गर्भ पे याद जाता है सबके सामने रोती है और कहती है, एक सवाल पूछती है, बताइए अभी मेरा बच्चा पेट में पल रहा है, मालूम ना कौन हो बदनसीब मेरा बच्चा होगा, बेटी होगी कि बेटा होगा, लेकिन अब किसको पापा कहेगा। जितने लोग वहां आए थे बाबू सबके आंख से आंसू चल रही है, लेकिन एक बात मनसा देवी और कहती है जो कलेजे को चुभ लेता है। क्या कहती है मास्टर साहब, तुहारे साथ कहले रहली कवन हम कसूरवा, अच्छी नीली हला सैया हमारे मांगी कैसे नूरवा। बाबू
मनसा देवी हाथ जोड़ करके कहती है, मैं इतनी बड़ी कौन गलती कर दी आपके साथ, या भगवान मैं आपके साथ कोई गलती कर दी हूं क्या, जिस गलती के कारण मेरे मांग के सिंदूर को आप उजाड़ दिए, मेरे पति शहीद हो गए इस दुनिया में, जेकर पति ना ओखर कोनो अस्तित्व ना बा, दुनिया अनहार हो गई, लोग लियाई के बाबू छोटी जो बच्ची है आभा कोई ताबूत पर रख देते हैं, आभा को क्या पता कि मेरे पिताजी शहीद हो गए, इधर उधर सबको देख रही है, लेकिन लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार कर देते हैं, विरह के सुनने वाले भैया बाबू मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही कहूंगी, देखिए हमारा पूरा विरह गावे का मतलब यह भैल कि जो हमारे फौजी जवान है, फौजी जवानों को क्या मिल रहा है, 4 साल की नौकरी फिर रिटायर हो जाना है, लेकिन जब एक फौजी जवान शहीद होता है तो आपको पता है फौजी जवान अपनी दुनिया को मिटा देता है। एक फौजी जवान की कीमत ये क्या राजनेता जानेंगे, ये तो सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में पड़े हैं, और आप ये 4 साल की अग्निपथ योजना निकाल रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। अगर सही है तो आप लोग बिरहा सुनकर के कमेंट में बताइएगा, अगर गलत है तो इसको भी आप लोग बिरहा सुनकर के आखिरी में कमेंट में जरूर बताइएगा। आई मास्टर साहब बिरहा की आखिरी लाइन बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, अरे चिरा गया जम गढ़ का बुझ गया, जालिमो जाला से दुश्मन भी थर्राला, चिरा गया जम गढ़ का बुझ गया।